पूज गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन कह रही हैं, गुरुदेव हमारे साथ कुछ खराब हो जाए, जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट या किसी एसेट्स का लॉस या किसी इंसान का चले जाना, तो गुरुदेव ऐसे में व्हाट हैज टू बी डन इज टू बी डन। लेकिन हम मनुष्य इमोशंस पर ही अटक कर कई दिनों तक दुखी हो रहे होते हैं और ऐसे में इमोशनल ड्रामा अधिक कर लेते हैं, न कि आगे क्या करना है इसका एक्शन प्लान करते हैं। गुरुदेव हम इमोशंस को यस और इमोशनल ड्रामा को नो करने के लिए क्या करें कि ऐसे टफ सिचुएशंस में स्ट्रांग रह सकें, और इमोशन के साथ तो सोचें लेकिन ड्रामा ना करें। इमोशंस इंसान और जानवर में फ़र्क करवाता है, लेकिन इमोशनल ड्रामा में हम वही फ़र्क कई बार भुला देते हैं, क्योंकि व्हाट हैज टू बी डन इज टू बी डन। कृपया समझें। बहुत अच्छा सवाल किया है और उसका सार केवल ये है कि इमोशन और इमोशनल ड्रामा में हम अंतर कैसे करें। मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि मनुष्य अगर अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखने की कला सीख ले तो उसके जीवन का सारा ड्रामा ही खत्म हो जाए। आत्मसंयम के बल पर हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण ला सकते हैं। हमारे पास संयम होना चाहिए जिससे हम अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं। इसके लिए आप नियमित भावना योग करें। भावना योग की एक प्रार्थना है, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि जीवन के सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। हे प्रभु मुझे इतना आत्मसंयम दे कि मैं हर स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। ये भावनाएं आप उत्तरोत्तर बढ़ाइए। इमोशंस रहेंगे पर उनकी बाढ़ नहीं आएगी। जो इमोशनल ड्रामा है, जिसे आप ड्रामा शब्द कह रहे हैं, मैं ड्रामा नहीं कहता हूँ, उसे भावातिरेक मानता हूँ। ये भावातिरेक भावनाओं पर अनियंत्रण का कुफल है। तत्वज्ञान के बल से जीवन की वास्तविकता को समझने वाले लोग इस तरह के भावनाओं के बहाव में नहीं बहते, वे अपने अंदर स्थिरता ठहराव बनाए रखते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं। अध्यात्म मूलक दृष्टि जिसके अंदर होती है वो ऐसी स्थिति में कुछ भी हो जाए, जो हो गया तो हो गया, और अपने आप को संभाल लेते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने उस घड़ी भी अपने अंदर स्थिरता रखी। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सकें। अभ्यास के बल पर भावनाओं पर नियंत्रण लाया जा सकता है।